man. The moment you enter the society, there are these huge mirrors. Okay, I'm liking it already. And abhi Anurag udhar is doing all the formalities of, you know, checking in and all of that, because actually काफी ज़्यादा formalities हैं moving के लिए. That's the outside area of the house, and yeah, that place is a little dirty अभी because कल काफी cleaning वगैरह हुई है यहाँ पे. And अभी पूरा घर खाली है तो फटाफट से tour देती हूँ तुम्हें. That's the living room. That's washroom one. That's room number one. This is room number 2, and that's room number 3. There is Anurag, and what interesting part I'm going to show you, that we have a bathtub. I'm excited for that. This light is going on in a very good way. Anurag, show this light to them. I'm excited, like literally मेरी शक्ल थोड़ी सी जरूर खराब लग रही है, because I'm not really feeling well. थोड़ी थोड़ी बीमार सी हूँ मैं, but we are now just waiting for movers and packers. वो बस आ ही रहे हैं, they are almost here. And what are you doing, man? काम करूँ. खाली घर में क्या काम करूँ? यहाँ balconies में ना काफी ज़्यादा pigeons आते रहते हैं, and I was just checking this area जहाँ पर ये AC पड़ा होता है normally, and यहाँ मैंने देखा कि एक pigeon है जिसके eggs हैं. You can see that. Oh, ये उसके ऊपर जाके बैठ गई है अभी. But अभी यहाँ मैंने देखा था दो eggs एकदम clear ऐसे नजर आ रहे थे. यहाँ balcony का तो इन्होंने सत्यानाश कर रखा है. यहाँ के लिए मुझे definitely कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा so that ये balcony clean रहे. And अनुराग गए हुए अभी नीचे, बिकॉज वो ट्रक आ चुके हैं हमारे सामान वाला, एंड आई एम वेटिंग, बिकॉज अभी तक तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन अभी के बाद मेरी लगने वाली है. टीवी यहाँ रख दो, यहाँ रख दो पहले ही. उसके ऊपर मत रखना, वो पहले ही हिल रही है लकड़ी, ये टूट जाएगी. अच्छी क्या हमने नहीं ली. चार सीड्स के पैकेट निकले सामान से, तो इसको मैं एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ बाहर डाल रही हूँ, बिकॉज अंदर अभी हमारे पास कुछ है नहीं, कोई मिट्टी विट्टी एंड पॉट्स कुछ अभी रेडी नहीं है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्लांट इट हियर. लेट्स सी अगर ये ग्रो हो पाते हैं नहीं हो पाते. मेरी हालत सुबह से इतनी ख़राब है, प्रॉबेबली मेरी आवाज़ में भी समझ आ रहा होगा. एक्चुअली मुझे डस्ट एलर्जी है, तो इस वजह से मुझे बहुत कोल्ड हो चुके हैं, एंड छींके तो मेरी रुक के नहीं रही. बट आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि अगर मैंने गलती से करवा चौथ का व्रत रख लिया होता आज, तो मेरी क्या हालत होती. मतलब पॉसिबिलिटी थी नहीं उस चीज़ की. बट एनी विच वेज, टुडे वॉज एक्सट्रीमली बिजी डे. So a few pointers that I would really like to share with you all while moving into a new house, which is related to moving and packing basically. तो देखो, अपनी तरफ से तो जो movers and packers थे उन्होंने भी और हमने भी बहुत सारा precaution लिया था कि हर चीज़ को हम अच्छे से pack करें, बहुत ही ढंग से, you know, bubble wrap भी और ऊपर से जो cardboard होता है वो भी सब भी बहुत अच्छे से लगाया गया था. But still हमारी washing machine, हमारी fridge and हमारी एक चेयर, इन सब में डेंट्स हैं, एंड आई डोंट नो हाउ, बट गाड़ी में भी डेंट है. तो आई डोंट नो ये कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, बट वी आर सैड. आई मीन अपनी चीज़ों से तो देखो थोड़ा बहुत लगाव तो होता ही है ना, तो उस लेवल पर थोड़ा दुख आ रहा है. बट एनी विच वेज, उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बात करने का अभी कुछ मतलब है नहीं. एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड चाय फॉर माई सेल्फ. घर में सिलेंडर अभी तक नहीं आया, एंड चाय पॉइंट से मैंने रोल भी मंगाया, बिकॉज 9 बज चुके हैं, जान निकल रही है यार, काम कर करके भी और भूख के मारे भी. और दैट्स हाउ द बेडरूम लुक्स राइट नाउ.
आई गेस ये वाला रूम हम अभी रात रात में सेट कर देंगे ताकि रहने लायक हो जाए. वी आर हैप्पी विद द कबर्ड, ये भी आज ही आई है बन के. वी एक्चुअली गॉट दिस कस्टम मेड एंड यू नो परचेज ही कर ली हमने ये. ये अभी बेडरूम की हालत तो ख़राब सी ही है, बट ठीक है, रात को आई गेस इसको रहने लायक तो मैं कर दूँगी. बाकी पूरा घर आई कैन नॉट रियली शो यू राइट नाउ, इट्स अ मेस यार, इट्स अ कम्प्लीट मेस. यार ये ना यहाँ पर आके एसी चलाना इज़ एक्चुअली अ कल्चर शॉक, बिकॉज बैंगलोर में लिटरली फुल पे यू नो पंखा तक नहीं चलता था, यहाँ पर एसी चल रहे हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिकॉज बैंगलोर में आई यूज टू पे 800 पर मंथ, यहाँ पर आई होप कम ही आए. बहुत ही प्यारा सा फ्रेम है, समवेयर इंटरनेशनल, आई टोटली फॉरगॉट द नेम, माय बैड, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल. इसके लिए अभी जगह देखने कहाँ लगाएंगे घर में, बट अभी के लिए मैं तुम लोगों के पीछे रख रही हूँ, मतलब तुम लोगों के मतलब कैमरा के पीछे रख रही हूँ. ओके सो यहाँ पर हमने एक अभी टेबल रखी है टेम्प्रेरी नहीं, मतलब टेबल यहीं रहने वाली है, बट इसको सेट करेंगे. फिलहाल ये बैल्कनी को हम कलर करा रहे हैं, कलर एज इन पॉलिश करा रहे हैं, बिकॉज यू सी द बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. आई लिटरली वॉन्टेड टू फील दैट यू नो वुडन फील, ये अभी बहुत ही डस्टी डस्टी सा है और दैट लुक्स काइंड ऑफ फिनिश्ड, आई मीन काफ़ी प्यारा सा लग रहा है एकदम वुडन. तो यार रेडी हो जाएगा फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से. एंड मीनवाइल यार पॉल्यूशन इतना रहता है ना यहाँ पे सारा दिन, मतलब क्लियर स्काई तो मैंने आज तक नहीं देखा मुंबई में, एक महीना हो गया मुझे यहाँ पे.